हेलो एवरीवन, चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दे दिए गए हैं, जिनमें फर्स्ट लिंक है थ्योरी नोट्स का और सेकंड लिंक है आज के टॉपिक की डीपीपी का। तो आप दोनों की दोनों फाइल्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे मैटर की, कि मैटर पढ़ते आए हैं कि मैटर तीन टिनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सपोज इलेक्ट्रॉन का मास me है, प्रोटॉन का मास mp है और न्यूट्रॉन का मास mn है। इनकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है, बट हम तो m की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप ये सोच के देखो कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ और 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे दूसरे इलेक्ट्रॉन को रख देता हूँ, ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस सपोज हमने इमेजिन किया है, तो इनके बीच ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग इनके बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स लगना चाहिए, F=gm1m2/r2। आर स्केयर का मतलब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का स्केयर हो गया। जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिफाइन होता है और हमने इनको 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है। जब ये सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो कैलकुलेशन आएगी हमारे पास 5.5×10^-67 न्यूटन। इतनी कैलकुलेशन आई कि दो इलेक्ट्रॉन को जब 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो दोनों के बीच एक इतना अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। बट प्रैक्टिकली रिजल्ट तो कुछ और थे कि हमने इन दोनों को अगर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा तो दोनों के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स न लगकर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, 2.3×10^-24 न्यूटन। और यह फोर्स इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा था, जैसे ये तो -67 पावर आ रही है, -24 ही पावर है। तो दोनों का अगर कंपेरिजन किया जाए तो इस फोर्स के कंपेयर में यह फोर्स काफ़ी ज़्यादा है। तो बात ये समझ में नहीं आ रही थी कि दो इलेक्ट्रॉन रखती है, दोनों के पास मास था। जब भी दो पार्टिकल्स के पास मास होता है तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिनकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। बट यह वैल्यू तो इससे अलग आ रही थी, वो भी रिपल्सिव नेचर की आ रही थी। तो इससे यह पता चला कि मैटर के पास सिर्फ और सिर्फ मास नहीं होता, कोई भी एक पार्टिकल होगा उसके पास मास के अलावा एक और प्रॉपर्टी भी हो सकती है। उस प्रॉपर्टी को ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, और वह प्रॉपर्टी होती है चार्ज। यानी उस मटेरियल के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम चार्ज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वह रिस्पॉन्सिबल है इस रिपल्सिव फोर्स का। फिर एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, दो प्रोटॉन को रखा तो प्रोटॉन भी इतनी फोर्स से रिपल्सिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो मतलब जितना चार्ज इसके पास था उतना ही चार्ज इसके पास है। फिर न्यूट्रॉन को देखा गया तो न्यूट्रॉन सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे थे, रिपेल ही नहीं कर रहे थे। मीन्स जो प्रॉपर्टी इनके पास थी वह न्यूट्रॉन के पास नहीं है। इस तरह के अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए। फिर एक एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को 1 सेंटीमीटर पर रखा गया, तो पहले दोनों इलेक्ट्रॉन या दोनों प्रोटॉन जितने फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे उतने ही फोर्स से अब अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। यानी उस प्रॉपर्टी के भी दो नेचर थे, उस प्रॉपर्टी के कारण कोई चीज़ रिपेल भी हो सकती है, उसके कारण कोई चीज़ अट्रैक्ट भी हो सकती है। अब कब रिपेल होगी कब अट्रैक्ट होगी, ये सारी की सारी बातें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वो जो प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर रहे हैं वह प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एक मटेरियल के एक पार्टिकल की वो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। या दूसरी फॉर्म में बताऊं कि एक पार्टिकल की जो इलेक्ट्रिक चार्ज वह इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह पार्टिकल अपने सराउंडिंग में या तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, या उस फील्ड के अंदर उनको रख दिया जाएगा तो वह उन फील्ड के कारण अफेक्टेड होता है। तो इस टाइप से अलग अलग डेफिनेशन भी आपको बुक्स में पढ़ने के लिए मिल सकती है। तो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी
इलेक्ट्रिक चार्ज एक खुद पार्टिकल की इंटरनल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। अब बात करते हैं इसको किस मेजरमेंट में मेजर किया जाता है, इसकी यूनिट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट कूलम्ब होती है या फिर इसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम है, वह फोर्स कितना लग रहा है उसकी कैलकुलेशन कूलम्ब्स फॉर्मूले से ही आई थी, इसीलिए उसी के नाम पे इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट कूलम्ब्स रख दी गई है। इसकी CGS यूनिट ESU है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इन दोनों की जब कंपैरिजन की जाए वैल्यू को तो 1 coulomb = 3×10⁻⁹ ESU के बराबर होता है। तो इन दोनों का ये कंपैरिजन भी हो गया। अब बात करते हैं कि SI और CGS यूनिट के अलावा भी हमें कुछ यूनिट्स पढ़नी है इसकी, जैसे फेराडे यूनिट है जो चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है, तो 1 Fe F से रिप्रेजेंट किया जाता है, 96500 कूलम के बराबर होता है। और एक होती है स्टेट कूलम, वह इसकी छोटी यूनिट है, तो 1 coulomb जो होता है वह 3×10⁸ स्टेट कूलम के बराबर होता है, स्टेट कूलम के बराबर होगा। तो हमें इनकी ये यूनिट SI यूनिट ये, CGS यूनिट ये है, और दो इनकी ये एक्स्ट्रा यूनिट है फेराडे और स्टेट कूलम। तो इन चार यूनिट्स को पढ़ना है। अब हमने ये देखा था कि दो इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, दो प्रोटॉन भी रिपेल कर रहे हैं, बट एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वह प्रॉपर्टी दो नेचर की होती है, जिसके कारण एक बार तो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, एक बार वह रिपल्सिव फोर्स लगा रही है। तो उन दोनों के दोनों नेचर को हमने डिफाइन किया कि एक तो होती है पॉजिटिव नेचर की और सेकेंड होती है नेगेटिव नेचर की। और नेगेटिव चार्ज हमने इलेक्ट्रॉन के पास डिसाइड किया और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के साथ डिसाइड किया। अब ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव स्टार्टिंग में मानी जा चुकी है ये बातें, तो हमें इन्हीं को ही कंसीडर करके चलते हैं। कोई स्पेशल रूल रेगुलेशन नहीं था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव ही होता है। अगर वो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव शो करते हैं तो हम अपनी पूरी की पूरी स्टडी में इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव और प्रोटॉन के ऊपर नेगेटिव सिंबल से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग की कैलकुलेशन थी कि हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव मान लिया और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मान लिया। तो इस टाइप से हम अपनी आगे से आगे कैलकुलेशन को बढ़ाते गए। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन पड़े हैं, इसकी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारी इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये सारी की सारी बातें हम केमिस्ट्री में पढ़ के आ चुके हैं। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया और अब इसके पास क्या रह गया, एक इलेक्ट्रॉन अगर यह डोनेट कर देगा, बाहर निकाल देगा, तो उसके बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बच जाएगी 10 और प्रोटॉन की संख्या बच जाएगी 11। यानी इसके पास पॉजिटिव चार्ज तो 11 रह गया और नेगेटिव चार्ज 10 रह गया। अगर यह एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो इनका नेट सम कितना बचा, 1 पॉजिटिव बचा ना। इसीलिए हम कहते हैं कि सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, 1 पॉजिटिव चार्ज हो गया, +1 से रिप्रेजेंट कर दो, कि सोडियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो अन्य पॉजिटिव हो गया। मीन्स हम अपने पॉजिटिव और नेगेटिव को डिफाइन करें, तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव कर लेते हैं। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। यानी पॉजिटिव की डेफिनेशन यही है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी को पॉजिटिव चार्ज शो करता है।
अगर बात क्लोरीन की जाए तो क्लोरीन के थर्ड सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, अपने पास रख लेगा। अब उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, बट प्रोटॉन की संख्या तो 17 ही बची है, तो ओवरऑल उसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया। मीन्स नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब वह एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज तो एक पार्टिकल की, एक मटेरियल की वो इंटरनल प्रॉपर्टी जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। वह प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगी, जब कोई मटेरियल, जब कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उस कंडीशन में हम डिफाइन करते हैं कि पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि उसके ऊपर, उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यह प्रॉपर्टी हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि दो इलेक्ट्रॉन थे, सेम नेचर का चार्ज था, उनके ऊपर वे एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे और एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसे मैथमेटिकली ऐड किया जाता है। जैसे इस मार्कर के ऊपर मैंने पहले -2 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया, फिर +4 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया, तो इसके पास नेट चार्ज होगा वह प्लस का 2 माइक्रोकूलम होगा। इसकी डायरेक्शन के साथ कोई रोल नहीं है कि किस कोने पे, किस डायरेक्शन में हमने कितना चार्ज दिया, हम डायरेक्टली मैथमेटिकली इसे ऐड कर लेते हैं कि इसके पास टोटल चार्ज हमारा -2 +4 मीन्स +2 माइक्रोकूलम चार्ज है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि यह एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, जैसे लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ते आए हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज को हम न तो बना सकते, न ख़त्म कर सकते, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये इसकी कंजर्व्ड क्वांटिटी हो गई। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन, यानी चार्ज क्वांटाइज्ड है। आपने केमिस्ट्री में इतने सारे एटम्स पढ़े हैं, कभी ये पढ़ा है कि किसी एक एटम के ऊपर 0.3 इलेक्ट्रॉन चार्ज है या 4.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, प्लस का 0.75 चार्ज है, इस टाइप से हम कभी भी नहीं पढ़ते। हम केमिस्ट्री में ये पढ़ते हैं इसके पास +1 चार्ज है, +2 चार्ज है, -3 चार्ज है, -4 चार्ज है, यानी एक परफेक्ट कंप्लीट कैलकुलेशन रहती है। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि एक एटम से दूसरे एटम में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन का कभी भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता। यानी जो चार्ज होगा हमारा वह होगा Q = ±ne। एन यहां पर क्या है, एक इंटीजर है, और इस प्रॉपर्टी पे काफी न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं कि चार्ज हमेशा 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, कभी भी फ्रैक्शनल चार्ज ट्रांसफर नहीं होता। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं हम। सपोज एक मटेरियल से, सपोज इस मार्कर से ही अगर 20 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए, सपोज ये कंडक्टिंग मटेरियल है, तो अगर मैं 20 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगा, फाइंड चार्ज, चार्ज की वैल्यू फाइंड करो, तो n की वैल्यू 20 है ना, यानी हमने 20 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, तो चार्ज हमारा आएगा, पहले तो ये बात बताओ कि कौन सा चार्ज आएगा। रिमूव करने का मतलब इसे इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, और कम होने का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी इस मटेरियल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये प्लस माइनस हम इसी टाइप से डिफाइन करेंगे कि प्लस कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, माइनस कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन वह गेन कर रहा है। अब हम रिमूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो प्लस चार्ज आएगा, कितने कर रहे हैं, 20। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, तो
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.2 × 10⁻¹⁸ कूलम चार्ज आ गया। तो इस टाइप से एक छोटा सा न्यूमेरिकल हो गया। अब बात ये पूछ ली जाती है कि क्या किसी एक एटम के ऊपर Q=+3.2 × 10⁻²⁰ कूलम चार्ज पॉसिबल हो सकता है क्या, इतना चार्ज पॉसिबल हो सकता है क्या, ये चीज हमसे पूछ लें। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज करके n की वैल्यू डिफाइन करेंगे कि n कितना निकालूं या कितना डालूं ताकि हमें इतना चार्ज मिल जाए। अगर वह n की वैल्यू विदाउट फ्रैक्शन से आती है इसका मतलब तो यह पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकती है तो हमने अभी भी एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया कि n इंटीजर होना चाहिए। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई यानी ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। क्यों की वैल्यू है 3.2 × 10⁻²⁰ n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। e की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है, इसको कट करेंगे तो ये 2 आ गया, −19 है, −19 इस साइड कट करेंगे तो कितना रह जाएगा 2 × 10⁻¹⁹ यानी n की वैल्यू रह जाएगी 0.2। अब 0.2 कोई इंटीजर वैल्यू तो नहीं है ना, इसका मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना चार्ज नहीं दे सकते क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, बट 0.2 इलेक्ट्रॉन तो हम कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के भी कैलकुलेशन बनती है। एक बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए सबसे कॉमन और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल कि कितने इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल से निकाले जाएं ताकि उसके ऊपर चार्ज 1 कूलम आ जाए, यानी फाइंड एन 4Q=+1 कूलम। सिंपल फॉर्मेट में मैंने लैंग्वेज लिख दी कि n की वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए Q की वैल्यू 1 कूलम हो। तो चलिए इसे डिफाइन करते हैं सॉल्यूशन। Q की वैल्यू प्लस का 1 दे रखी है, n हमें डिफाइन करना है, 1.6 × 10⁻¹⁹ हो गया। अब n की वैल्यू कितनी होगी, 1 / 1.6 × 10⁻¹⁹। अब −19 ऊपर जाएगा तो 10⁻¹⁹ इससे अगर मैं 10 कॉमन लूँ तो 10⁻¹⁸ बच जाएगा, इस साइड 1.6 रह गया। 10 को अगर 1.6 से डिवाइड करोगे तो आएगा 6.25 × 10⁻¹⁸, यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालने पड़ेंगे 10⁻¹⁸। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल से अगर निकाले जाए तब जाकर हम कह सकते हैं कि उस मटेरियल पर +1 कूलम का चार्ज आया है। अब ये संख्या तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है प्रैक्टिकली। इसीलिए न्यूमेरिकल्स में जब भी वैल्यू यूज होगी माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, इस टाइप से वैल्यूज यूज होती है, ये इसका मेन चक्कर है। तो n की वैल्यू इतनी आई, आप डायरेक्टली याद रख लेना क्योंकि कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो यह वैल्यू बहुत बड़ी है, इसका मतलब 1 कूलम चार्ज हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा चार्ज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज किसी मटेरियल पे ही हो सकता है, मींस चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मतलब विदाउट मास चार्ज कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता, बट ये बात तो जरूर है कि विदाउट चार्ज मास सर्वाइव कर सकता है। जैसे न्यूट्रॉन के पास मास होता है, चार्ज नहीं होता, पॉसिबिलिटी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, प्रोटॉन के पास चार्ज है, बट उनका मास तो होता है ना। यानी ये प्रॉपर्टी ये कहना चाहती है कि जिस पार्टिकल का मास होगा उसी पे ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चार्ज हो, बट मास के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि उसके पास चार्ज होना चाहिए। तो ये एक बढ़िया इसकी प्रॉपर्टी है। अब कई बार क्वेश्चन ये बन सक कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम फोटोन को चार्ज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास नहीं होता, इसलिए फोटोन पे कभी भी चार्ज नहीं आता। तो ये भी उसका एक रीजन है।
नेक्स्ट है हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि चार्ज इनवेरिएंट है, यानी चार्ज कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। सपोज इस मार्कर के ऊपर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, अगर मैं यहाँ खड़ा देख रहा हूँ तो भी इसके ऊपर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लूँ तो भी इसके ऊपर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, अगर मैं चल रहा हूँ तो भी इसके ऊपर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, अगर मैं रुका हुआ हूँ ये अपनी किसी भी वेलोसिटी से चल रहा है या इसके पास एक्सेलेरेटेड मोशन है फिर भी उसके ऊपर 2 माइक्रोकूलम चार्ज ही रहेगा, यानी यह फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो एक इसकी प्रॉपर्टी है हमारी इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी है हमारी कि स्टेशनरी चार्ज, इलेक्ट्रिकल फील्ड शो करता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करता है, और जो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है मूव्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, वह चार्ज मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। अगर वही चार्ज पार्टिकल एक्सेलेरेटेड कंडीशन में हो तो वह चार्ज पार्टिकल इमिट्स ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंड्यूस्ड करता है। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है इसके सराउंडिंग में इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आएगा, अगर यही चार्ज पार्टिकल किसी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इस चार्ज पार्टिकल के पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट आ जाते हैं, अगर यही चार्ज पार्टिकल किसी एक्सेलेरेटेड पोजिशन में होगा तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर यह चार्ज पार्टिकल इमिट्स करेगा ईएम वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करता है। तो ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। वैसे चार्ज पार्टिकल की आप बुक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी भी देख सकते हो, थ्योरी के अंदर हमें चार्ज की डेफिनेशन या फिर कोई 3 प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए कह दिया जाता है, या फिर इस प्रॉपर्टी के ऊपर कई बार डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछ लेते हैं, तो हमें ये 7 बातें तो मेनली याद रखनी ही है। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग की। मेथड ऑफ चार्जिंग, इसमें सबसे पहले हम फ्रिक्शन को पढ़ेंगे कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है कि सबसे पहले चार्ज जो इंड्यूस्ड किया गया था वह फ्रिक्शन के कारण ही इंड्यूस्ड किया गया था, कि दो कंडक्टिंग बॉडी को जब रब किया गया तो एक कंडक्टिंग बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी में गए। रीज़न उनका ये था कि जब दो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को रब किया जाएगा तो उनके बीच एक हीट जनरेट होगी फ्रिक्शन के कारण, जब उनके बीच हीट जनरेट होगी तो एक मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वह वहाँ से अपर स्टेट में जाकर एक्साइटेड स्टेट में जाकर अपने आप को फ्री कर लेता है और दूसरे मटेरियल में चला जाता है। तो जिससे वह निकला है वह मटेरियल तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, वो जिसके पास गया है वह मटेरियल नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो वह मेथड हमारा फ्रिक्शन का मेथड होता है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया, जब इन दोनों को आपस में रब किया जाए, सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाएगी, तो कुछ टाइम के बाद यह जो ऑब्जेक्ट था वह तो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और यह ऑब्जेक्ट था वह ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा नेगेटिवली चार्ज। तो इस टाइप से हम फ्रिक्शन से चार्ज को इंड्यूस कर सकते हैं। ये सारी की सारी बात थ्योरी नोट्स में भी दे दी गई है, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने नोट्स बनाने में। सेकंड मेथड है हमारा कंडक्शन का। इतना हम पढ़ के आ चुके हैं कि मटेरियल 3 टाइप के होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वो प्रॉपर्टी, एक कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो ईजिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं।
सेकंड हमारा सेमीकंडक्टर, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नाम मात्र होते हैं, जो हम 12th क्लास में जाकर एक चैप्टर में भी पूरा पूरा चैप्टर सेमीकंडक्टर पे हम पढ़ेंगे। इंसुलेटर हम वो मटेरियल पढ़ते हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं, वो न तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते, न अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देते, न एक्सेप्ट करते, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी इनके पास होती है। तो हम कंडक्शन मेथड के अंदर एक कंडक्टर को यूज करेंगे। इसका सेकंड मेथड है हमारा कंडक्शन। जैसे एक स्फेरिकल कंडक्टर था, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, यह न्यूट्रल था। न्यूट्रल मींस इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है, यानी इसके नेट चार्ज की वैल्यू जीरो है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ ऑब्जेक्ट, यानी हाईली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जिसके पास बहुत सारा नेगेटिव चार्ज था, वह इसके कॉन्टैक्ट में लाया गया, यानी इसके साथ इसको कॉन्टैक्ट करवा दिया गया। अब क्या हुआ, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होने स्टार्ट हो गए। जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते रहेंगे। अब पोटेंशियल भी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ लेंगे, बट आप अभी तक ये बात रखो कि जब तक इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आएगी तब तक इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट रहेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर इस ऑब्जेक्ट में जाते रहेंगे। जब हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन पहुँच जाएगी, उस कंडीशन में हम इस ऑब्जेक्ट को तो दूर कर लेंगे, इसका कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन के कुछ पार्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में चले गए और इसके पास नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इससे जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं उतने इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट में चले गए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन बाय चार्जिंग बाय कंडक्शन, कि एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर के कॉन्टैक्ट में लाया गया, एक पे चार्ज था एक पे चार्ज नहीं था, तो इसका चार्ज निकल कर इस साइड चला गया और जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर भी चार्ज आ गया। तो यह होता है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। थर्ड है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट चार्जिंग बाय इंडक्शन। इन तीनों मेथड में सबसे ज्यादा यही मेथड पूछा जाता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन का मीनिंग जैसे घरों में भी इंडक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के साथ पतीले का फिजिकल कॉन्टैक्ट तो नहीं होता, बीच में एक प्लेट भी होती है, कुछ रेज निकलती है, उस चीज़ को हम इंडक्शन कह देते हैं। उसी टाइप से जैसे कंडक्शन में हमने मटेरियल को कॉन्टैक्ट में लेकर आए थे, अब हम मटेरियल को कॉन्टैक्ट में नहीं लाएंगे, हम दूर से ही उसका एक सेपरेशन रखेंगे और दूसरे में चार्ज को इंड्यूस्ड कर देंगे। जैसे ये हमारा मेटालिक स्फीयर था, न्यूट्रल स्फीयर, ये इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। इसके पास एक ऑब्जेक्ट लाया गया जिसके पास बहुत ज़्यादा चार्ज था, अब इसके साथ फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं करवाया गया, यह इसके पास लाके रख दिया गया। अब इस कंडक्टर का मतलब, जैसे ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल का मीनिंग ये है कि इसके पास नेट चार्ज जीरो है, यानी इसके पास जितना पॉजिटिव है उतना इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो इंडक्शन का ये मीनिंग होता है कि जैसे नेगेटिव आया तो नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, और नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड होकर रिपेल होकर इस सरफेस पे जमा होने शुरू हो जाएंगे, और उनके जो पॉजिटिवली एटम बच जाएंगे वह इस सरफेस पर आकर अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जैसे ये तो स्फीयर था, ये इसके पास नेगेटिवली रोड को लेकर आ गए, इसने पॉजिटिव को तो अट्रैक्ट कर लिया और नेगेटिव को रिपेल कर दिया। तो कुछ टाइम बाद हम क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे, या फिर दूसरा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी लेके आ सकते हैं। दो टाइप से हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, एक सिंपल तरीका ही बता रहा हूँ, दूसरा तरीका आप थ्योरी नोट्स में भी पढ़ लेना, सेम टू सेम ही, कि हमने इस नेगेटिवली चार्ज को तो यहाँ पर ही रखा और जो ये स्फीयर था जो इंसुलेटिंग स्टैंड पे था, इस साइड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जमा था, इस साइड इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, हमने क्या किया, इसको ग्राउंडेड कर दिया, अर्थिंग कर दी इसकी,
और अर्थ को हम बहुत बड़ा कंडक्टर मानते हैं कि इसको कितना भी चार्ज दे दिया जाए चाहे इससे कितना भी चार्ज निकाल लिया जाए उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे ना ये सारे के सारे अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो कुछ टाइम बाद यह कंडीशन बचेगी कि ये तो जो था नेगेटिवली चार्ज वाला ऑब्जेक्ट और यहाँ पर इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज इस साइड जमा था इसके ऊपर, नेगेटिव सारा का सारा अर्थ में चला गया। अब हम अर्थिंग को तो रिमूव कर लेंगे, अर्थिंग को हटा देंगे। अर्थिंग को हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इस रोड को यहाँ से दूर ले जाएंगे, इससे दूर कर दिया। अब क्या होगा कि ये जो स्फीयर था जो इंसुलेटिंग स्टैंड पे था इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वह पूरे पूरे स्फीयर के ऊपर फैल जाएगा। यानी कंडक्शन के अंदर तो हमने क्या किया, इसके साथ कॉन्टैक्ट करवा दिया, इसका चार्ज निकल के इसमें चला गया। इंडक्शन में हमने क्या किया, इसको जस्ट पास ला के रख दिया, तो रिपल्सन के कारण जो लाइक चार्ज था वह इस साइड चला गया और उसकी अर्थिंग कर दी तो अर्थ में चला गया। फिर हमने अर्थिंग हटा ली, फिर इसको हटा लिया तो यह पॉजिटिव चार्ज इस पूरे में ही फैल गया। तो इस मेथड से हम इंडक्शन के कारण चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के ऊपर। बोर्ड के अंदर बहुत बार पूछा जाता है यह। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। फिर हमने उसके कुछ मैन प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके टाइप पढ़ लिए, अब मेथड ऑफ चार्जिंग कर ली। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एक मटेरियल ए है, इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया। जब यह न्यूट्रल था उस टाइम इसका मास पोज M1 था, जब इसे पॉजिटिवली चार्ज कर दिया गया इसी ऑब्जेक्ट को तब उसका मास मेजर किया तो M2 मास आया। फिर हमने इसी ऑब्जेक्ट को नेगेटिवली चार्ज किया और फिर इसका मास मेजर करके देखा इसी ऑब्जेक्ट का तो M3 आया। हमें इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है मास का कि सबसे कम मास किसका है और सबसे ज़्यादा मास किसका है। तो हमने इतना पढ़ रखा है कि जैसे ही हम इसको पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन हमने निकाले हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या होगा, कुछ ना कुछ मास में तो कमी आएगी ना, तो इसका मास घटा है, यानी M2 इज लेस देन M1। जब हम इस नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब हम इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं इसका मतलब इसका मास कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ है, तो M3 इज ग्रेटर देन M1। अगर इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर रखें तो M2 सबसे कम होगा, M1 इससे ज़्यादा होगा और M3 सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है तो उसके साथ उसका मास भी होता है, तो मास भी अफेक्टेड होता है। तो ये भी हमसे एक छोटी सी बात पूछी जा सकती है। सेकेंड, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये न्यूट्रल था, ये बिल्कुल फ्री था स्फीयर, इसके पास बहुत बड़ा नेगेटिव चार्ज लेके आए। जब हमने इंडक्शन पढ़ा था तो इसे एक इंसुलेटिंग स्टैंड के साथ जोड़ दिया था, मींस इसकी मूवमेंट हमने रोक दी थी। अब ये बिल्कुल फ्रीली है। अब आप खुद सोच के देखो, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव रिपेल होकर इस साइड चला जाएगा और पॉजिटिव इस साइड आ जाएगा। अब एक तो ये R1 डिस्टेंस है और एक ये R2 डिस्टेंस है। R1 डिस्टेंस कम और R2 डिस्टेंस ज़्यादा, ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो इनके बीच का फोर्स कम होगा और इनके बीच का फोर्स ज़्यादा होगा। ये फोर्स मानो F1 अट्रैक्टिव, मानो ये F अट्रैक्टिव और ये F रिपल्सिव है। ये डिस्टेंस कम है तो हम सीधा लिख सकते हैं कि F अट्रैक्टिव की वैल्यू ग्रेटर देन होगी F रिपल्सिव। इसका मतलब नेट फोर्स इसके ऊपर कौन सा लगेगा, अट्रैक्टिव नेचर का लगेगा। मतलब एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को एक नेगेटिवली ऑब्जेक्ट के साथ, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के साथ रख दिया जाए तो उसके पास ओवरऑल एक अट्रैक्टिव फोर्स बच जाता है। तो इससे एक ये बात साबित होती है कि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के साथ अट्रैक्ट हो सकता है।
यानी जो हमने पढ़ा है ना कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्शन होने के लिए सिर्फ अनलाइक चार्ज होने जरूरी नहीं है, एक न्यूट्रल और एक हैवी चार्ज ऑब्जेक्ट दोनों में आपस में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग सकता है, जो हमने यहाँ पर दिखाया है। इसीलिए कहा जाता है कि रिपल्सन श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग होता है, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे को रिपेल कर रहा है तो श्योर गारंटी के साथ कह सकते हैं हम कि दोनों के ऊपर लाइक चार्ज है। अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये गारंटी नहीं है कि दोनों के ऊपर अनलाइक चार्ज हो, एक न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये बातें हमें इस एग्जांपल से देखने के लिए मिलती है। इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल और करके देखते हैं, जैसे ये तो एक कॉन्सेप्ट मान सकते हो या न्यूमेरिकल भी मान सकते हो आप। एक ये मानो कि एक रिंग के साथ 5 बॉल लटका दी गई, ए बी यहाँ पर सी, ये डी और ये ई। और हमें कुछ कंडीशंस दे दी गई, वो कंडीशंस ये है कि बॉल ए अट्रैक्ट बी एंड रिपेल सी, यानी ए बॉल जो है वो बी को अट्रैक्ट कर रही है और सी को रिपेल कर रही है, और बॉल सी जो है ये मान लो आप अट्रैक्ट डी एंड ई, यानी सी बॉल डी और ई दोनों को अट्रैक्ट कर रही है। थर्ड कंडीशन आप ये मानो कि बॉल डी जो है उसका बी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट ऑन बी, यानी बी के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। और फाइनल मान लो कि बॉल ई बॉल सी डी और ई को अट्रैक्ट कर रही थी, और फाइनल ये मान लो कि बॉल ई रिपेल बाय, कोई भी मान सकते हो अट्रैक्ट या रिपेल बाय पॉजिटिव रोड, यानी पॉजिटिव रोड से रिपेल हो रही है। अब फाइंड करो कि पांचों बॉल्स पे कौन कौन से चार्ज होंगे। कंडीशन हमारी ये है कि बॉल ए बी और सी को, एक को अट्रैक्ट कर रही है और एक को रिपेल कर रही है, बॉल सी दोनों को अट्रैक्ट कर रही है, और बॉल डी जो है बी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं लगा रही, बॉल ई क्या कर रही है रिपेल हो रही है पॉजिटिवली रोड से। अब हमें डिफाइन करना है कि पांचों बॉल्स पे चार्ज क्या क्या होगा। अब चार्ज डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप ये देखो श्योर टेस्ट कौन सा होता है, रिपल्सिव टेस्ट होता है। तो जो लास्ट कंडीशन है हमारी कि बॉल ई जो है पॉजिटिवली रोड से रिपेल हो रही है ना, तो रिपेल कब होगी, जब ई के ऊपर भी एक चार्ज होगा, वो भी लाइक चार्ज होगा, क्योंकि रिपल्सन एक श्योर टेस्ट होता है। पॉजिटिव किसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव को ही रिपेल करेगा, इसका मतलब ई के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, ई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, डी का कोई इफेक्ट नहीं है बी के ऊपर, यानी डी का नल इफेक्ट है, और नल इफेक्ट दो न्यूट्रॉन के बीच, दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बीच होता है, हमने पहले भी पढ़ा था। यानी डी और बी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, इन दोनों पे चार्ज जीरो जीरो होगा। अब हमारी हम एक और कंडीशन को देखते हैं कि ए और सी जो थी वो एक दूसरे को रिपेल कर रही थी, और सी अट्रैक्ट कर रही है किसको, ई को अट्रैक्ट कर रही है ना सी, और ई पे हमने ये डिफाइन कर रखा है कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट किसको करेगा, या तो नल चार्ज को करेगा, या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट किसको करेगा, या तो जीरो चार्ज को करेगा या नेगेटिव चार्ज को करेगा। अब जीरो चार्ज है या नहीं है ये हमें यहाँ से पता लगा कि सी रिपेल हो रही है, रिपेल हो रही है, इसका मतलब इसके ऊपर तो चार्ज तो है, ये तो गारंटी है, क्योंकि ए और सी के बीच एक रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स हमेशा लाइक चार्जेस के बीच होता है, तो इतनी तो गारंटी है कि सी एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर चार्ज है और यह पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब कौन सा चार्ज हुआ, सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ, तो सी के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज हुआ, और नेगेटिव चार्ज ही नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर सकता है, तो ए के ऊपर भी हमारा नेगेटिव चार्ज हुआ। तो इस टाइप से हमें ये कंडीशंस डिफाइन करनी पड़ सकती है।
बस सोचने लायक बातें होती हैं। इन चार की चार बातों को सोचो कि सबसे पहले देखो अलग कौन सी बात रखी हुई है। सबसे अलग तो ये बात थी कि ई रिपेल हो रही है पॉजिटिव से, इसका मतलब ई के ऊपर पॉजिटिव है, डिफाइन हो गया। डी और बी के ऊपर कोई फैक्ट नहीं और आपस में यानी दोनों के ऊपर नल है। फिर हमने सी को डिफाइन किया कि सी तो क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। अब अट्रैक्ट तो जीरो भी हो सकता है और अट्रैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। फिर हमने फर्स्ट कंडीशन में देखा था सी की रिपेल भी हो रही थी, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज तो था, तो चार्ज कौन सा था, नेगेटिव था। नेगेटिव किससे रिपेल होगा, नेगेटिव से होगा। तो इस टाइप से हमने इनको डिफाइन कर दिया। तो इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स डीपीपी में भी दिए गए हैं आपके लिए। थ्योरी के भी दो क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट दो डेफिनेशन है, दो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। एक तो चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस, और सेकंड है हमारा डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड इंडक्शन। तो ये दो आप डिफरेंस करके देखना।